डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 का ये लेसन फंक्शंस चल रहा है। अब तक इसमें आप 18 वीडियोस यानी 18 वीडियोस देख चुके हो। एक्सरसाइज 1.3 चल रहा था, इसके संख्या 5 तक हम कर चुके हो। संख्या 6 स्वयं हल करोगे, अब 7 में पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन 7 में है, फंक्शन x 4x plus 3 द्वारा फंक्शन और r to r है, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर है, पर विचार कीजिए। इस पर विचार करना है हमें फंक्शन के साथ 4x plus 3। अच्छा, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रत्यय फलन ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो सिद्ध कीजिए तो ये जो फलन है व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय कब होता है? जब ये एक एक हो और अक्षांग हो। तो और फलन कैसा है हमारा? 4x plus 3, यानी कि ये जो डोमेन और कोडोमेन रियल टू रियल है, ये भी रियल और ये भी रियल, रियल टू रियल कह रहा है, रियल टू रियल है, यानी सभी वास्तविक संख्याएं इसमें या इसमें भी वास्तविक संख्याएं हैं। और ये 4x plus 3 है, यानी कि यहाँ जो भी है, सपोज करो 1 है, तो 1 का यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो 4x plus 3, 4x plus 1 plus 3, 7 पे जाके बनेगा, ठीक है, रियल नंबर ये। और ये 2 का जो बनेगा वो बनेगा 4 into 2 plus 3, 4 में 8 और 3, 11, 11 पे जाके, यानी प्रत्येक के लिए अलग अलग बनना, ये एक है, लेकिन इसको और दूसरे तरीके से कैसे दिखाते हैं, वो देखिए। अब इसे हल करते हैं, और फंक्शन हमारा रियल टू रियल में fx इक्वल टू 4x प्लस 3 है, फॉर एवरी x कम्स टू r बार हमारा सब फल है, ये दे रखा हुआ है। अब माना x कॉमा y कम्स टू r, ये रियल नंबर इस प्रकार है कि fx इक्वल टू fy, इसमें हम दोनों फलों को बराबर रखते हैं, fx इक्वल टू fy, तो x इक्वल टू y आ जाए तो हम समझते हैं ये फल हमारा एक है, 1 है। तो देखिए fx इक्वल टू 4x प्लस 3 होगा, fy इक्वल टू 4y प्लस 3 होगा, x को y से रिप्लेस करेंगे तो यहां से 3 से 3 माइनस होगा, 4x इक्वल टू 4y यानी x इक्वल टू y, इसका मतलब ये है x इक्वल टू y आ गया तो फर्क हमारा a में भी है। तो ये तरीका हो गया तुम्हारा लिखने वाला, और ये जो चित्र से दर्शाते हैं उस तरह से आइए किसी एक तरीका से कर सकते हैं आप, या तो आप चित्र से कर लो डायग्राम से या फिर इस तरह से। मान प्रत्येक वास्तविक संख्या y belongs to r के लिए r में x belongs to r इस प्रकार विद्यमान है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y, इसके बराबर हमने y मान लिया था, तो जिसका मान 4x plus 3 है, 4x plus 3, तो यहां से x इक्वल टू y minus 3 upon 4 हो जाएगा, इतना, इसका मतलब ये है x इक्वल टू y minus 3 upon 4। तो ये उसके लिए होता है कि यहाँ सपोज करो 7 है, 7 का इधर जो निकालेंगे तो वन इससे निकल जाएगा, तो प्रत्येक y कम्स टू r के लिए x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, इस प्रकार है कि फंक्शन x इक्वल टू फंक्शन y माइनस 3 अपॉन 4, ये जो है फलन जो x वाला फलन है y में y माइनस 3 अपॉन 4 कर दिए। तो अब इसको fx इक्वल टू 4x प्लस 3 के उस तरह से रखेंगे तो x इक्वल टू क्या रखेंगे, x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4 है, x से y में 3 अपॉन 4 रखा जिससे y आ जाएगा। अच्छा, तो अब जब y निकल के आ गया इसका मतलब ये है कि अक्षारक है, पर fx इक्वल टू y मान रहा था हम और y निकल के आया है इसका, तो इसका मतलब ये फलन कैसा अक्षारक है। अच्छा, अब अगर डायग्राम से करना चाहो तो इसमें y y 3 अपॉन 4 इस फॉर्मूला में कोई भी मान y का रख के देख सकते हो, तो वो एक रियल नंबर ही होगा जो इसमें मौजूद होगा, यानी कि प्रत्येक संख्या का एक इधर पूर्व प्रतिबिंब होगा। तो इस तरह से भी अक्षर दिखा सकते हैं, क्या इस तरह से दिखाई बहुत अच्छा। अब f इनवर्स विद्यमान है जो कि एक एक भी और अक्षर भी है, तो माना g r टू r में g x इक्वल टू x y से जब हम फोर द्वारा परिभाषित कर रहे हैं, और हमने तो एक नया फलन माना r टू r में रियल, इसमें जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर है इनवर्स के लिए। अच्छा, तो अब जी ओ एफ करना होगा, जी ओ एफ एक्स एफ जो हमारा जो फलन था एक्स वाला था, तो जी ओ एफ
और यहां f ऑफ g y में ये लॉट के y आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा f ऑफ g y में जाएगा तो हो जाएगा तो ब्रैकेट आ गया g y, g y की वैल्यू कितनी है y माइनस 3/4। अब इसे f x की तरह रखें, f x इक्वल टू 4 x + 3 तो x से y माइनस 3 4 x इतना प्लस 3 डॉट टू y। इसका मतलब ये वेट प्रॉब्लम ये है और वहां भी दिखा दिया था x y। अब जीओ एफ इक्वल टू एफ ओजी और वेट प्रॉब्लम करने पे है x इक्वल टू y माइनस 3 पे है तो जीओ एफ इक्वल टू एफ ओजी और इक्वल टू आई आर है एफ इनवर्स y इक्वल टू जी वाई इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। इसको हम थोड़ा सा अगर इस तरह से ना करना चाहो तो ये और तरीके से कर सकते हैं, एफ इनवर्स विद्यमान है यहां पर तो सेम रहेगा ही, उसके अलावा आप चाहो इसको और तुम्हें लगता हो ये आसान है तो इस तरह से कर सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई माना तो वाई इक्वल टू कितना है 4x प्लस 3 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है तो यहाँ से तुम्हारे एक्स इक्वल टू कितना हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो x इज इक्वल टू हो गया तुम्हारे f इनवर्स y, ये हो गया। अब x की वैल्यू निकाल लो यहां से 4x + 3 इज इक्वल टू y तो 4x इज इक्वल टू y - 3 और x इज इक्वल टू y - 3 अपॉन 4 तो x की वैल्यू आ गई तो y - 3 अपॉन 4 और ये क्या है f इनवर्स y, f इनवर्स y कितना हो गया y माइनस 3 अपॉन 4। यही हमारा प्रतिलोम है इसका, ऐसे भी इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।